हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि है आप मैंने जो बनाया था 13 एज वाला टीनेजर गर्ल वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो आधा ही बनाया था। मैंने कहा कि थ्री ग्रुप में या थ्री पार्ट्स बना दूंगी मैं इसके, तो मैंने सोचा आज मैं उन लोगों के साथ फिर से शेयर कर लेती हूँ। 13 एज से मैंने 18 ईयर्स तक के लिए वो वीडियो बनाया था और अब मैं बनाऊंगी आपको बताऊंगी कि 19 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और आपको अपने स्किन पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, अपने फेस पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगी बताऊँगी। तो सबसे पहले इससे पहले कि आप मैं वीडियो शुरू करूँ तो आप पहले मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और भी मैं इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ आप लोगों से, कुछ ज़रूरी जो मैंने कल बात की थी कि मैं गिव अवे रखने वाली हूँ उसके बारे में अभी मैं बाद में जब मैं वीडियो एंड करूँगी उसके उस समय में बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहें, हमेशा इसी तरह से जैसी स्किन मेरी अभी है वैसे ही रहे और मैं कभी भी मतलब मेरी एज ना झलके और मैं इतने अच्छे से अपनी केयर कर पाऊँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं यूज़ करूँ। कोई कोई तो यूज़ भी नहीं करता है और फिर भी कभी कभी कुछ लोगों की, कुछ बहुत ही कम लोगों की ऐसी स्किन होती है जो कि अच्छे से भी नहीं केयर करते हैं तो भी उनको फ्लॉलेस स्किन होती है और अच्छी रहती है। तो हम लोगों के जो अभी सेल्स होते हैं टीनेज गर्ल वालों के, तो बहुत ही अच्छे सेल्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है। और 19 एज के बारे में बात कर रही हूँ तो 19 एज वालों की भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी स्किन रिपेयर हो जाती है। तो उसके बाद जो 30 एज वाले होते हैं 27 से ही उनकी थोड़ी सी ग्रोथ, 30 से तो बिल्कुल ही रुक जा, बहुत कम हो जाती है, बहुत ही मतलब इतना हो जाती है कि कोई दिक्कत होगी तो इतनी जल्दी नहीं रिपेयर होता है, लेकिन 30 तक आपकी रिपेयर होती ही रहती है। इसलिए आपको उस एज में आपको अच्छे से केयर करनी है अपनी स्किन की और आपको क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए, आपको इसी तरह के प्रोडक्ट यूज़ करना है। 19 एज वाले जो होते हैं उन लोगों को, जैसे 18 एज वालों को भी कभी कभी फेस पैक वगैरह लगा लेना चाहिए और 19 एज वालों को तो स्क्रबिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों के जो 19 एज वाले जो होते हैं लड़कियां, जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, तो उनको ब्लैक हेड्स वगैरह और जो डेड स्किन होती है वो होने लगती है, वो शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से चेहरा बहुत डल लगता है, ख़राब लगता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा माइल्ड सा बहुत ही अच्छा सा स्क्रब आपको इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। पहले तो क्लिनजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपकी जो स्किन का जो है, जैसे आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपको ऑयली ऑयल ख़त्म करे उस तरह का फेस वॉश आपको यूज़ करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको फेस वॉश यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई भी फेस वॉश ले लेना है और आपको यूज़ करना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जो स्किन है उस तरह का ही आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप वो फेस वॉश यूज करोगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छी होगी और जो आपकी स्किन को चाहिए जिस तरह का फेस वॉश तो आप उसको यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद माइल्ड सी क्लिनजिंग, माइल्ड सा फेस वॉश लेना है आपको, जेल बेस्ड फेस वॉश लेना है, बहुत ही हार्श फेस वॉश नहीं लेना है, नहीं तो आपकी स्किन फ्लेकी जो होती है वो होने लग जाएगी, आपकी स्किन से पैचीनेस, ये इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं कुछ कुछ लोगों की। तो इस ये हो गई क्लिनजिंग की बात। और कुछ लोगों को क्या होता है कि हार्मोनल इश्यूज होते हैं, हार्मोनल जो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है किसी, कोई कोई गर्ल्स का बॉयज़ का रहता ही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मतलब बहुत ही कम होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो उन लोगों को अपनी जो भी आपके जो जहाँ पे आप दिखाते हो जिस डॉक्टर को, उसको दिखा के कंसल्ट करके ही आपको जो भी चीज़ें यूज़ करनी है वो उनके हिसाब से लें, नहीं तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनको केयर करनी है अपनी स्किन की। तो ये हो गई उन लोगों की बात।
तो आपको फिर जो स्क्रब होता है वो बहुत अच्छा लेना है। आप नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हो स्क्रब, जैसे बस सिंपल सा स्क्रब बनाइए, आप थोड़ी सी चीनी लीजिए और शहद डाल लीजिए या फिर दूध ले लीजिए, तो या फिर एलोवेरा जेल ले लीजिए। चीनी के साथ आपको एलोवेरा जेल लेना है या फिर कोई भी लेमन ले लेना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो लेमन ले, सॉरी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो लेमन ले लीजिए। तो और इससे हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है सिर्फ 2 मिनट्स, अगर आप होममेड स्क्रब करना चाहते हो तो। अगर आप होममेड स्क्रब नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे से स्क्रब आते हैं जो माइल्ड भी होते हैं और जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो आप, तो आप कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से। और 2 या 3 मिनट से ज़्यादा आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है क्योंकि आपकी स्किन अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जब मैं 20 एज में थी तो मुझे पिंपल्स वगैरह नहीं होते थे, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन अब कभी कभी मुझे दाने वगैरह हो जाते हैं क्योंकि मैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा में जो चीज़ें होती है वो मैं यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करने के लिए वो सारी चीज़ों को ट्राई करती रहती हूँ, तो मुझे कभी कभार हो जाते हैं। और मैं नई नई चीज़ों को ही ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं अपने स्किन पे ये जो भी नई चीज़ें आई तो मैं करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिल सके, इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो सभी लोगों को हमेशा इस तरह की चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय 1-2 साल तो आपको वही चीज़ें ट्राई कर लेनी है जो आपकी सूट हो रही है जो चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है कि 19 से लेकर 20 के बाद 27 जब हो जाता है, 27 के बाद आपको स्क्रब तो करना ही है, 19 से ही स्क्रब करना है, लेकिन फेस वॉश फेस पैक वगैरह जो है ना वो आपको सिर्फ होममेड ही यूज़ करिए, होममेड है या फिर अगर आप स्कूल जाते हैं मतलब स्टूडेंट हैं और मोस्टली स्टूडेंट ही होते हैं 19 ईयर्स वाले 18 ईयर्स वाले जो एज ग्रुप के होते हैं तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट ही होते हैं, तो उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, तो आप जैसे फेस पैक वगैरह है वो आप मार्केट से ले सकते हो या फिर आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो आपको बने हुए ही लेना चाहिए, और आप जो आते हैं बने हुए जो रेडीमेड मिलते हैं फेस पैक वगैरह वो आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपकी 30 एज हो जाए, 30 एज वाले क्या करें, 30 एज वालों को भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी जो कि स्किन उनकी चेंज हो रही है उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्मोनल्स चेंजिंग होते रहते हैं, उनकी जो सेल्स रिपेयरिंग आपकी स्किन की रिपेयरिंग सिस्टम है वो भी हल्की होने लग जाती है, इससे कम होने लग जाती है। तो आपको शुरू से ही जब आप फेस पैक फेस वॉश लगाएंगे फेस स्क्रब करेंगे, 19 एज की बात बता रही हूँ मैं, फेस पैक भी लगाएंगे, उसके बाद आप अच्छे से मॉइस्चर क्रीम भी लगानी है आपको, अंडर आई क्रीम भी लगानी है आपको, कोई भी अंडर आई क्रीम आपको लेनी नहीं है, लेकिन अगर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है वो, तो आपको लेनी नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अंडर आई क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको ख़रीदना है या बाय करनी है, लेकिन आप घर में जो आपको एलोवेरा जेल है या सॉरी ऑलिव ऑयल है या फिर आलमंड ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल होता है, वो आपको रिंग फिंगर पर लेकर आपको हल्के हल्के हाथों से रात में मसाज करके सो जाना है, दैट्स इट। इतने से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, और आपको नाइट में नाइट टाइम रूटीन भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप नाइट टाइम रूटीन को फॉलो करेंगे आप अपनी स्किन में, जब आप स्किन को अच्छी वॉश कर लेंगे क्लीन कर लेंगे तो आपको जेल लगाना है, कोई भी जेल लगाइए, चाहे एलोवेरा जेल लगा लीजिए, अब तो पर्पल जो ऐप है उसमें बहुत तरह के जेल आ रहे हैं, तो आप अगर उनको ट्राई करना चाहते हो तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। अगर उनको ट्राई नहीं करना है तो एलोवेरा जेल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हो गई 19 से 27 तक की लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अंडर आई क्रीम तो आपको लेनी नहीं है, जेल भी नहीं लेना है, सिर्फ आपको जो ऑयल होता है या स्वीट आलमंड ऑयल या
ऑलिव ऑयल, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी आपको ट्राई नहीं करना है। उसके बाद 30 एज वाले क्या करें, 28 से लेकर 30 एज वाले आपको चेंज करना है अपनी जो क्रीम वगैरह होती है, जो फेस वॉश वगैरह होते हैं, जो स्क्रबिंग है वो आपको थोड़ी माइल्ड सा अच्छा सा, क्योंकि आपकी जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो भी कम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको चेंज कर देना चाहिए। और आपने जो 30 एज वाले होते हैं उनको एंटी जो क्रीम होती है एंटी एजिंग वाली, वो क्रीम को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय से आप शुरू कर देंगे इस तरह की क्रीम लगाना तो आपकी एजिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपकी जो जितने अगर हल्की हल्की सी झुर्रियाँ वगैरह भी हैं, फाइन लाइंस वगैरह भी हैं, तो उससे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और आपको भी वही रूटीन फॉलो करना है, वैसे ही रहना है आपको सभी। और जो टोनर वगैरह है वो आपको चेंज कर देना है, जो भी आपके जो स्किन पे सूट हो, ऑयली स्किन वालों के लिए ग्रीन टी वाला टोनर बहुत ही बेस्ट होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो आपको सनस्क्रीन भी लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एज वाले हों। मैंने 13 वाले जो मैंने 3 एज वाला बनाया था वीडियो, उसमें भी मैंने बोला है कि आपको सनस्क्रीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन तो आपकी बॉडी पर होना ही चाहिए, आप जब भी बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। और अगर आप घर में भी हैं, घर में रहते हैं तो भी आपको, जिस दिन भी आप घर में हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, लेकिन कम SPF वाला लगाइए। और अगर बाहर जाते हैं तो 50 या 40, इससे कम SPF वाला सनस्क्रीन आपको नहीं अप्लाई करना है अपने फेस पर या अपनी बॉडी पर, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा हम लोगों के सर पर सूर्य देवता विराजमान रहेंगे, इसलिए उस तरह का ही आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आपकी आपकी स्किन पर, जैसे पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं ना चाहकर भी, और उनको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं होता है ये सब सही, इतनी जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो यहाँ मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग सभी लोगों को इस तरह के सारी चीज़ों को पॉइंट पर रख कर, हर चीज़ को देख कर, हर अपनी स्किन टोन को देख कर, अपनी स्किन पे जो सूट होगा वही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जब मैंने लास्ट में बात करने की बात कही थी कि मैं गिव अवे के बारे में लास्ट में बताऊंगी आपको, तो मैं पहले एक महीने सारे महीने पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कौन कौन मेरा वीडियो देखते हो, मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरे वीडियोज़ को आप अप्रिशिएट करते हो, और अपने अपनी डेली यूज़ में मेरी मैंने जो रेमेडीज़ बताई हैं होम रेमेडीज़, वो आप लोग यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आप लोग पहले मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी आएगा, और बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल, जैसे ही मैं अपना वीडियो कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा, आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए। आप और भी लोगों को सजेस्ट कीजिए कि मेरे वीडियोस देखें, मेरे चैनल पे जाएं। और मैं इसके लिए अगले मंथ जब मैं जून मई हाँ जुलाई में मैं सारी चीज़ों को फिर से आपके सामने रखूँगी, जब मैं देख लूँगी कि हाँ मेरा वीडियोस आप लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, मेरे को कमेंट कर रहे हो, मेरे वीडियोस के नीचे जो कमेंट सिस्टम वो कमेंट करिए आप मेरे वीडियोस में, फिर मैं देखूंगी कि आप मुझे लाइक करते हैं या आप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मैं गिव अवे ज़रूर रखूँगी, गिव अवे तो चालू हो ही चुका है। गिव अवे की आप देखिए, कोई भी चीज़ हो, फ्री में जो कोई भी चीज़ मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, चाहे आपको मिले या किसी को भी या मुझे मिले तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए आप उस पर मत जाइए कि आपको क्या मिलेगा, आपका क्या फ़ायदा है। आपका यही फ़ायदा है कि आपको गिफ्ट मिलेगा और मेरे वीडियोस देखकर आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज कुछ भी नहीं मिलेगी,
और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेरे आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मेरे वीडियोस को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, मेरे हर वीडियो में कमेंट मुझे चाहिए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हो और कौन कौन मेरे साथ मेरे वीडियोस को देखना, मेरे फैमिली में मुझे फैमिली में लेना चाहते हो, मुझे रखना चाहते हो और मुझे अपनी फैमिली में शामिल करेंगे आप, और मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी मेरी भी। मैं भी यही होप रख रही हूँ और आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे, तो प्लीज़ मेरी उम्मीद को डाउन मत होने दीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फेसबुक पर भी हूँ और इंस्टा पर भी हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर जाके भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर से भी आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, बहुत बातें हो गई। वैसे मैं अब रोज़ बोलूँगी कि गिव अवे में रख रही हूँ, गिव अवे में कर रही हूँ, और गिव अवे के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, रोज़ देखिए। और हाँ, अब मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, तो आज का ये वीडियो जो है शायद रात में पहुँचे, रात हो जाएगी, शायद रात में पहुंचेगा, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर मेरे वीडियोस का, वेट करिएगा। और अभी तो कुछ दिन मेरे नाइट में ही जाएंगे मेरे वीडियोस, शायद अगर हो सका, अगर जल्दी नेटवर्क प्रॉब्लम्स ठीक हो गई तो जल्दी भी जा सकता है, और नहीं तो रात में तो पहुंच ही जाएगा। 9 से 10 टाइम तक, 9 PM पर या फिर 10 PM पर तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, बाय। बहुत ज़्यादा बात हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं और नहीं करना चाहती। चलिए बाय।